आज मैं आप लोगों के लिए कई सारी अपडेट लेके आया हूँ। सबसे पहले अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि एलविश यादव की तरफ से। बेसिकली आप लोगों को ये विराट कोहली और एलविश यादव की फोटो वायरल होते हुए देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रही होगी। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं क्या ये फोटो सच्ची में ओरिजिनल है या नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये फोटोशॉप्ड है, ये ओरिजिनल फोटो नहीं है। देख के नहीं लग रहा होगा, लेकिन हाँ सच्ची के अंदर ये एक एडिटेड फोटो है। और साथ के साथ एलविश यादव सीएम से मिले हरियाणा के मनोहर लाल से, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रीटिंग्स भी प्रोवाइड करी है। साथ के अंदर एलविश यादव 20 तारीख मतलब कल संडे को ही मीटअप कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर, तो आप लोग भी अटेंड कर सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। और इलॉन मस्क की बात हो और एक्स की बात ना हो, मतलब जो बेसिकली ट्विटर है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ट्विटर में जो ब्लॉक का ऑप्शन है वो काफ़ी जल्दी हम लोगों को हटता हुआ देखने को मिल सकता है, और शायद ना भी हटे क्योंकि ये इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर ब्लॉक का ऑप्शन हट जाएगा तो लोग जो सेंसिटिव कंटेंट होता है उसे ब्लॉक किस तरीके से कर पाएंगे, तो वो चीज़ भी देखने वाली चीज़ होगी। फुकरा इंसान के व्लॉग के अंदर हम लोगों को बेबी का देखने को मिली, और वहाँ पर हम लोगों को आलिया देखने को मिली, और साथ के साथ हम लोगों को नाग शक्ति ग्रुप की एक और मेंबर देखने को मिली, आशिका भाटिया। तो काफ़ी ज़्यादा फनी सीन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इवन बेबी का ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ भी बोली थी अभिषेक के लिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कि आपने ट्रॉफी जीती ना जीती, बट लोगों का दिल जीता है, पूरी इंडिया का दिल जीत लिया है, अब इससे बड़ा और क्या, और क्या इससे बड़ी विन और क्या हो और सकती क्या है? होता है बस कि यही चाहिए मेरे को। सीरियसली बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा ना जिस तरीके से क्रेज हुआ है, जहाँ एमपी हो चाहे वो यू नो यूपी हो, जिस तरीके मेरे नेफ्यू हर जगह मुझे बता रहा, बाप रे बाप, तेरे लिए जितना क्रेज हुआ ना स्टारों के लिए इतना होता नहीं है पिक्चर में। बोलते जाओ, बोलते जाओ, अच्छा बोले। सीरियसली एक होता ना, जीत के भी आप बहुत सारी चीजें जीत लेते हैं, और जो हार के भी जीत लेते हैं वो तेरे साथ हो गया। तूने हारा ना, तुझे नहीं पता तू हार के भी कितनी बड़ी चीज जीत गया। और अच्छा लग रहा है तो। आशिका जी जा रही है, ये वही है जिन्होंने महेश भट्ट को बहुत फेमस कर दिया है। आंटी आपने स्टार नहीं दिया। हम लोगों को इस चीज़ का हिंट मिल रहा था कहीं ना कहीं कि थोड़ा से चांसेस हैं कि हम लोगों को अभिषेक बिग बॉस 17 में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन निश्चय ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि भाई मैंने तो इसे मना कर दिया है और ये नहीं जाएगा, अच्छे से समझा दिया है। एलविश यादव को काफ़ी ज़्यादा रिप्लाई देखने को मिल रहे हैं आलिया भट्ट की तरफ से, जिसके चलते फुकरा इंसान ने एक इंटरव्यू में ये चीज़ बोली कि मैंने वो चीज़ देखी कि उसे आलिया भट्ट की तरफ से रिप्लाई देखने को मिल रहे हैं। उस चीज़ को देख के मैं थोड़ा सा जला, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सोनम बाजवा मेरे को फॉलो बैक कर ले, जिसके चलते सोनम बाजवा की हर एक पोस्ट के नीचे हम लोगों को यही चीज़ देखने को मिल रही है, फॉलो बैक फुकरा इंसान, फॉलो बैक फुकरा इंसान, जिसके चलते भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हुए देखने को मिल रही है। अब करती है नहीं करती वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और अभिया और अभिषा को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी चल रही है, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को भी बोल रहे हैं। इवन जिया ने भी एक कमेंट पास करा था कि मैंने 4 लाख रुपए नहीं दिए, 1 करोड़ रुपए दिए हैं पापास को, कि भाई हम लोगों का ट्रेंड और ज़्यादा वायरल कर दो, हम लोगों को और ज़्यादा लेके आओ, और अभिषा को नीचे डाउनग्रेड कर दो, जिसके चलते वो उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर के तौर पर बोला था कि भाई देखो मेरा ना कॉमेडी सेंस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी लोग उस चीज़ को सीरियस लेंगे क्योंकि उससे किसी को भी मजाक की उम्मीद नहीं थी, जिसके चलते अब वो एक इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ भी क्लियर करती हुई नजर आई कि मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, भले वो किसी के भी फैन हो, अभिषेक का बॉन्ड 2 बंदों के साथ अच्छा था, तो कृपया इस चीज़ को मिक्स ना करो, जो हम लोगों का बॉन्ड था वो बॉन्ड तक ही रहने दो, ये मत करो कि लड़ाई हो रही है, उनके फैन हमें सुना रहे हैं, हमारे फैन वहां जाके लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई को बंद करो, पीस में रहो आराम से। सौरभ जोशी ने रिएक्ट करा है हाल ही के व्लॉग के अंदर, जिसके अंदर उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट देखने को मिली है, रीज़न उसका मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, जिसके अंदर एलविश यादव को वो सपोर्ट करते हुए नजर आया, फुकरा इंसान को नहीं करा, जिसके चलते फैन काफ़ी ज़्यादा नाराज थे, क्योंकि जब वीडियो बनाने की बात आती थी या व्लॉग बनाने की बात आती थी तब वो मोस्टली हम लोगों को ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान इधर देखने को मिलते थे इनके साथ, लेकिन जब सपोर्ट देने की बात आई तब वो एलविश यादव की तरफ सरक गए थे, जिसके ऊपर रिएक्ट करते उन्होंने कुछ बोले। कुछ अचीव कर लिया है आप लोगों से, आप लोगों का प्यार, गाड़ियाँ, घर, फेम और बहुत सारी चीजें, जो कि आज के टाइम पे हर कोई चाहता है, हर यूथ चाहता है, जो भी मेरी एज का है कि भाई मैं भी ये सब अचीव करूं, बट फिर भी मुझे हेट करते हैं। देखो उनको चाहिए यही सक्सेस उनको भी चाहिए, बट फिर भी हेट करते हैं, वो मेरी सक्सेस को हेट करते हैं काफी लोग। तो अगर आपको भी इतना अचीव करना है, इतनी सक्सेस चाहिए, तो आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। देखो किसी भी जलने वाले के हेट करने से मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मेरी फैमिली मुझे प्यार करती है, मेरी फैमिली पता है मैं कुछ गलत नहीं करता, और जो लोग मुझे प्यार करते हैं, चाहे मैं कुछ गलत भी कर दूं, कुछ गलती भी कर दूं, इंसान हूं गलती करूंगा ना, तो उनको फिर भी मुझे सपोर्ट करते, फिर भी बताते कि तूने ये गलती कर दी है। तो जो लोग एक्चुअली मुझे प्यार करते हैं वो करते हैं, और मेरी फैमिली, फ्रेंड्स,
वो सब मुझे सही बोलते हैं, तो जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फैमिली फ्रेंड्स और जिनसे मैं मिलता हूँ, जिनसे बातें करता हूँ, जितने भी लोगों से मिलता हूँ वो सब सही है। अब मैं जिन लोगों को जानते ही नहीं, जिनसे मिलता ही नहीं, जिनसे कोई बात ही नहीं हुई, वो मेरे बारे में कुछ भी बोले या फिर कुछ भी कहें तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे। निर्मल भैया एक्सपोज करने वाले हैं मुझे, एक्सपोज करने वाले हो ना? एक्सपोज हाँ भाई, सही है सही। निर्मल भैया मेरी बहुत सारी बातें जानते हैं, पता नहीं अब किस दिन एक्सपोज करेंगे मुझे, देखना। करता हूं एक्सपोज। और अज्जू 0008 का एक कमेंट्री काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज बोली थी कि दो बंदों के दिल तोड़ दिए। अब वो क्या चीज बोल रहे हैं कि भाई दो बंदों के दिल किस सेंस में उन्होंने बोला था और किस सेंस में नहीं, जरा आप ही बताओ, ये आप लोगों सुन के एक रीजनेबल जवाब लग रहा है या नहीं लग रहा? वो ना बहुत ज्यादा हेट पड़ रहा है एक चीज को लेके, और यार मैं वो चीज क्लियर करना चाहता हूँ। पहले आपको क्लिप देखो, काफी रिकॉर्ड तोड़े, दिल भी तोड़े। दिल भी तोड़े यार, ये सोचो टूटे दो ही है, जुड़े जन कितने अरबों है। इस क्लिप के पीछे की जो कहानी आपने पूरी नहीं देखी, देखो मैंने ना तो भाई फुकरा भाई के लिए वो चीज बोली थी कि मैंने बोला सिर्फ कि भाई दो लोगों के दिल टूटे हैं, वो दिल किस चीज को लेकर, क्योंकि वहां पे ऐसे नॉर्मल बात चल रही थी, आपको पता है आलिया भट्ट के बारे में बात चल रही थी, नॉर्मल ऐसे बात चल रही थी, तो मैंने ये बोला था कि भाई दो लोगों के दिल टूटे, दो लोगों का मतलब मेरा था कि भाई मनीषा और जिया, मगर उनके दिल टूटे हैं और जुड़े बहुत लोगों के हैं, मैंने ये चीज बोली थी, ना कि मैंने फुकरा के लिए बोला था, ना मैंने ट्रिगेट के लिए बोला था वो चीज। आप सबने वो चीज को वहां पे जोड़ा, भाई ये चीज मत कर। आयन अकेडमी ने अपने एक लॉ के टीचर को नौकरी से निकाल दिया है, रीजन उसका ये था, वो लॉ के टीचर ने ये चीज बोली कि हम लोगों को अपने जो चुनने वाले होते हैं लोग, जो कि हाई अथॉरिटी पे होते हैं, वो हम लोगों को देख के चुनने चाहिए, जो कि पढ़े लिखे हो, जो कि खाली देश का नाम चेंज ना करते हो या जगह का नाम चेंज ना करते हो, उस चीज पे फोकस करें कि वो डेवलप किस तरीके से कर सकते हैं, जिसके चलते उनकी ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल होते देखने को मिली और अनअकैडमी ने उन्हें निकाल दिया नौकरी से, जिसके चलते अनइंस्टॉल अनअकैडमी काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, लोग उनके समर्थन में गए हैं टीचर के। रीजन उसका यह है कि टीचर ने वहां पर एक भी बार किसी पार्टी को टारगेट नहीं करा, उन्होंने खाली अपने एक ओपिनियन रखा था, लेकिन अनअकैडमी ने उन्हें जॉब से निकाल दिया, जिसके चलते काफी लोग इस चीज पे नाराज हैं।